बोलो। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पथरगढ़ा मेल समाचार में हार्दिक स्वागत है। आज आपको मौत की खेती की ओर लिए चलते हैं। इन दिनों जहर की खेती का चलन बढ़ा है। झारखंड और बिहार के सीमाने में इस बार व्यापक रूप से अफीम की खेती की जा रही है। सीमांत इलाके में अफीम की फसल लहलहा रही है। अफीम के पके फसलों में चीरा लगाया जा रहा है। चीरा लगाकर अफीम निकाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन के लाख मनाही के बावजूद चतरा, पलामू, लातेहार सहित बिहार के गया जिले में अफीम की जबरदस्त पैदावार की गई है। झारखंड व बिहार के सीमांत जिले में दिनों व्यापक पैमाने पर की जा रही है पोस्ते की खेती। किसान कम पूंजी में माला माल होने का सपना देख रहे हैं। दो राज्यों के सीमांत इलाके व कोल्हान के गांवों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इन दिनों अवैध रूप से पोस्ते की खेती की गई है। पोस्ते की फसल पूरी तरह फल फूल कर तैयार है। फसल में चीरा लगाकर अफीम निकाला जा रहा है। जंगली इलाकों में उग्रवाद व अपराधियों के संरक्षण में अफीम की खेती की जा रही है। पुलिस की अथक प्रयास से जहां उग्रवादी व अपराधियों पर हद तक काबू पाया गया है, वहीं दूसरी ओर सरकार व पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती अफीम की तस्करी रोकना और पोस्ते की खेती को नष्ट करना है। चतरा जिले के लावाल और राजपुर कान्हा चिट्ठी प्रतापपुर हाथीगंज प्रखंड के कई गांवों के अलावा पहाड़ की तलहटियों में जंगल की जमीन पर भी पोस्ते की खेती फल फूल रहा है। मौत की फसल लहलहा रही है। मौसम अफीम की खेती के अनुकूल है। पोस्ते की फसल से किसानों द्वारा चीरा लगाकर अफीम निकालने का काम शुरू हो गया है। इलाका मिनी अफगानिस्तान के नाम से जाना जा रहा है। हालांकि पोस्ता की खेती करने के विरुद्ध पुलिस ने कई लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की है। इसके बावजूद भी ग्रामीण लालच में आकर इसकी खेती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्करों को मनोबल और बढ़ गया है। अफीम से किसानों को अच्छे खासे कमाई भी हो जाता है। इसकी खेती करने में ग्रामीणों के साथ बाहर के बड़े अफीम तस्कर भी शामिल हैं। बाहरी तस्कर कुछ गरीब व सीधे साधे ग्रामीणों को अपने गिरफ्त में लेकर इनकी ही जमीन लीज लेकर पोस्ते की खेती करते और कराते हैं। इसके अलावा जंगली भूभाग पर भी पोस्ते की खेती कराई जाती है। चतरा पुलिस लगातार छापामारी अभियान चला रही है। 1000 से अधिक भूभाग में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। अभियान निरंतर जारी है।